पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन टीटीपी ने भारत को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। भारत की तारीफ करते हुए टीटीपी ने पाकिस्तान को जोरदार तमाचा मारा है। दुबई ने पाकिस्तान को बुर्ज खलीफा की छत से नीचे फेंका, तो वहीं जमीन पर टीटीपी ने पाकिस्तान के कपड़े उतारने शुरू किए। आखिर क्यों 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि भारत के लोग काला दिवस मनाते हैं? आखिर बंटवारे के समय 1.5 करोड़ हिंदू और सिखों के साथ क्या किया था पाकिस्तान ने, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, बुर्ज खलीफा में पाकिस्तान का झंडा ना लगने की बात पहले से ही पाकिस्तान के इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है, और तो और अब कुछ आतंकवादी संगठन भी पाकिस्तान की बेइज्जती करने से नहीं चूक रहे। इन्हीं में सबसे लेटेस्ट नाम जुड़ गया है टीटीपी, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का। बुर्ज खलीफा ने 22 करोड़ पाकिस्तानी भिखारियों के मुंह पर मारा तमाचा, और अब उन्हें टीटीपी तड़पा तड़पा कर मारने जा रहा है, क्योंकि यह वही पाकिस्तान है जिसने 1.5 करोड़ हिंदू और सिखों के साथ ज्यादती की थी। इस आतंकवादी संगठन ने भी पाकिस्तान की आजादी के दिन ही पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। अफगानिस्तान से इसने पाकिस्तान और उसकी सेना के लिए जो मैसेज भेजा है, उसे सुनकर आप खुशी से झूम उठेंगे। पीओके और बलूचिस्तान पहले से ही पाकिस्तान की चंगुल से आजाद होने वाले हैं, वहीं अब टीटीपी ने भी एक हिस्से को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद करने का प्लान बना लिया है। लेकिन आखिर पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को क्यों मनाता है, जबकि भारत में इसी दिन को लोग काले दिवस के रूप में मनाते हैं? क्या है इस दिन के पीछे की दर्दनाक कहानी? इन दोनों खबरों के बारे में आज हम आपको वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, 14 अगस्त को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ को नसीहत देते हुए पाकिस्तान की बेइज्जती भी करी, और भारत का उदाहरण देते हुए भारत की तारीफ भी कर दी। इस आतंकवादी संगठन ने कहा कि 1947 में पाकिस्तान को जो आजादी मिली थी, वह उसका फायदा बिल्कुल भी नहीं उठा पाया। आजादी के समय बंटवारे में पाकिस्तान को काफी कुछ मिला था, और उसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था बन सकता था। लेकिन आज लगभग 75 साल बाद भी स्थिति ऐसी ही है, यहां तक कि और भी बिगड़ चुकी है, क्योंकि आज तो पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए भी नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान को उसने भारत से सीख लेने के लिए कह डाला। उसने नसीहत दी कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध की तैयारी करता रहता है, लेकिन उसे देखना चाहिए कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे विकसित किया है। यह भी कहा कि भारत जल्द ही दुनिया में नंबर 1 देश बनने वाला है, लेकिन पाकिस्तान इस अर्थव्यवस्था की रेस में बहुत पीछे छूट गया है। 15 अगस्त पर तालिबान ने भारत को लेकर बयान देकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। इसमें पाकिस्तान को नसीहत देते हुए यह भी कहा गया कि एक इस्लामिक राष्ट्र होने के बावजूद पाकिस्तान में संविधान क्यों चलाया जाता है। शहबाज शरीफ को कहा कि अगर पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है तो उसे जल्द से जल्द अपने देश में सैया कानून लागू करना चाहिए। कुछ समय पहले ही जब अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया, तो वहां पर सरिया कानून लागू कर दिया गया। इसकी वजह से वहां पर लोगों को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी यह आतंकी संगठन चाहता है कि पाकिस्तान में भी यह कानून लागू हो जाए और देश को इस्लाम के हिसाब से चलाया जाए। अगर पाकिस्तान की सरकार इनकी बात को मान लेती है तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना तय है। कभी किसी भी देश को अगर धार्मिक हिसाब से चलाया जाएगा तो उस देश में अल्पसंख्यक समाज कभी नहीं रह पाएगा और उस देश का विकास नहीं हो पाएगा। आतंकवादी संगठन यही नहीं रुका, इसके बाद तो उसने ऐलान कर दिया। तालिबान के इस ऐलान से पूरे पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। मुंह दिखाने लायक नहीं बचा जनरल मुनी। पहले से ही पाकिस्तान के लिए टीटीपी एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन इस बयान को सुनने के बाद उसे और तेज बुखार लगने वाली है, जिसका दवा सिर्फ भारत के पास ही होगा। पीओके बलूचिस्तान के बाद अब टीटीपी ने भी कर दिया पाकिस्तान से संपूर्ण आजादी का मांग। आपको बता दें कि तालिबान से अलग होकर ही यह अलग आतंकवादी संगठन बना था, लेकिन अब जिस हिस्से पर यह अपना कंट्रोल रखता है उसे पाकिस्तान से काट कर अलग देश बनाना चाहता है। इसी के चलते सीमा रेखा पर पाकिस्तानी सेना पर यह हमला भी करता रहता है।
इसके हमले में कई बार पाकिस्तानी सेना के जवान शहीद होते आए हैं और अब तो इसने जंग का खुला ऐलान भी कर दिया है। तो यानी जल्द ही पाकिस्तान से तीन हिस्से अलग हो सकते हैं, जिसमें पहला है बलूचिस्तान, दूसरा पाक अधिकृत कश्मीर और तीसरा होगा टीटीपी का हिस्सा। लेकिन आखिर पाकिस्तान अपनी आजादी का दिन 14 अगस्त को क्यों मनाता है, जबकि दोनों देशों की आजादी एक साथ 15 अगस्त को हुई थी? आखिर पाकिस्तान क्यों जश्न मनाता है स्वतंत्रता दिवस का? ना इसने आज तक किसी से जंग जीता, न आजादी की लड़ाई लड़ी, तो फिर जश्न किस बात का भाई? इसी कारण बुर्ज खलीफा ने 14 अगस्त को पाकिस्तानी झंडा फहराने से साफ इनकार कर दिया था। क्या यह 14 अगस्त को इसलिए जश्न मनाते हैं क्योंकि इन्होंने करोड़ों हिंदुओं और सिखों को तड़पा तड़पा कर मारा था? बंटवारे के बाद दोनों देशों से खूब सारा पलायन हुआ। भारत की तरफ से जहां मुसलमान रेलगाड़ियों में भर भर कर पाकिस्तान पलायन कर रहे थे, वहीं पाकिस्तान की तरफ से हिंदू और सिख रेलगाड़ियों में भर भर कर भारत आने के लिए तैयार थे। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने इस बंटवारे के बाद भारत को गहरा घाव देने का प्लान बना लिया था। दंगे शुरू हो चुके थे और मुस्लिम पक्ष सिखों और हिंदुओं को तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। हिंदुओं और सिखों को तलवार से काट दिया गया और उनकी लाशों को ट्रेन में लादकर भारत भेजा गया। लोग अपना सामान लेकर पाकिस्तान से भारत आने के लिए निकले थे, लेकिन आई सिर्फ उनकी लाशें। जिन्ना की जीत ने भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया। 20 लाख से भी ज्यादा लोगों की हत्या की गई। 1 करोड़ लोगों ने अपना घर छोड़ा। जिन्ना और गांधी के अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से दोनों देशों के करोड़ों लोगों ने बहुत कुछ सहन किया। आज उन सभी पीड़ित लोगों की बददुआएं पाकिस्तान को लग रही है। आज पाकिस्तानी लोगों का अपने मुल्क में ही दम घुट रहा है और वे पाकिस्तान छोड़कर दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाने को तैयार है। इसके लिए वे एकाएक वीजा की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वह भी नहीं मिलता। बंटवारे के समय रेलवे के साथ ऐसा कौन सा कांड हुआ था जिसे आज तक लोग नहीं भुला सके? और यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि इसके पहले पाकिस्तान के मुसलमानों ने लाखों भारतीयों को मौत के घाट उतारा था। सबसे बड़े ट्रेन नरसंहारों में से एक 22 सितंबर 1947 को भारत के विभाजन के दौरान मुस्लिम शरणार्थियों को ले जा रही एक रेलवे ट्रेन पर भारतीय पंजाब के अंदर अमृतसर में हमला हुआ था। 3000 मुस्लिम शरणार्थी मारे गए और 1000 अन्य घायल हो गए। केवल 100 यात्री सुरक्षित थे। इन हत्याओं से पता चला कि रेलवे गाड़ियां शारीरिक हमले से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करती है। राइफलों, तलवारों और भालों से लैस सिखों द्वारा मुस्लिम शरणार्थियों पर ऐसे कई हमलों के बाद पाकिस्तान सरकार ने सितंबर 1947 के अंत में भारतीय पंजाब से पाकिस्तानी पंजाब तक सभी ट्रेनों को रोक दिया। सिख जत्थे ने पूर्वी पंजाब की मुस्लिम आबादी को खत्म करने के लिए हमलों का नेतृत्व किया। इससे पहले सितंबर में उन्होंने अमृतसर के खालसा कॉलेज के पास पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन में 1000 मुस्लिम शरणार्थियों की हत्या कर दी थी। यह हिंसा भारतीय पूर्वी पंजाब में सबसे अधिक थी। बंटवारे के समय हुई ये सभी घटनाएं लोगों को जिंदगी भर याद रहेगी, उनको भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।